हेलो दोस्तों, आपने रेलवे ट्रैक तो जरूर देखा होगा, चाहे आप ट्रेन से सफर किए हो या नहीं किए हो। अगर आप सफर नहीं किए हैं तो कम से कम एक बार सफर करने का चाहत तो जरूर रखते होंगे। पर इस वीडियो में दिखाए गए 10 ऐसे खतरनाक रेल मार्ग जिस पर शायद ही आप कभी सफर करना चाहेंगे। इस वीडियो में आप देखेंगे टॉप 10 मोस्ट डेंजरस रेलवे ट्रैक इन द वर्ल्ड। नंबर 10, एसो मिनामी रूट जापान। यह रेल रूट जापान का सबसे खतरनाक रेल रूट माना जाता है। इस पटरी का कुछ भाग पतले लोहे के पुल से होकर गुजरता है जो दोनों ही तरफ से खुला हुआ है, इसलिए ट्रेन चालक को बड़ी ही सावधानी से ट्रेन को ऑपरेट करनी पड़ती है, क्योंकि ड्राइवर का एक गलत कदम ट्रेन को पटरी से सीधा नीचे गिरा सकता है। इस ऊंचाई से गिरने के बाद शायद ही कोई बच पाएगा। और दोस्तों, खतरा यहीं खत्म नहीं होता। आगे जाकर इस ट्रेन को एसो मिनामी ज्वालामुखी के पास से होकर गुजरना होता है। ये जापान का सबसे बड़ा और खतरनाक एक्टिव वोल्केनो है, जिससे हर वक्त यात्रियों पर खतरा बना रहता है। यहाँ से गुजरते वक्त बड़ी ही आसानी से इस ट्रैक के पास जलते हुए लावा को देख सकते हैं। दुर्भाग्यवश अगर कभी इस ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ तो पास से सफर करने वाले यात्री को कोई नहीं बचा सकता। यहाँ से सफर करते हुए घने जंगल और गहरी घाटियाँ नजर आएगी, जो ऊपर से देखने में काफी डरावनी लगती है। नंबर 9, व्हाइट पास रेल रूट अलास्का। अमेरिका के अलास्का में बने यह रेलवे ट्रैक करीब 180 किलोमीटर लंबा है। इसे व्हाइट पास ट्रैक नाम अलास्का की ऊंची चोटी व्हाइट पास के नाम पर रखा गया है। ट्रेन का रास्ता पहाड़ और गहरी खाई से लगा हुआ है, जहां का नजारा किसी को भी डराने के लिए काफी है। साथ ही यह रास्ता पहाड़ के काफी ऊंचाइयों तक जाता है और कई जगहों पर ट्रेन काफी अंधेरी गुफाओं से होकर गुजरता है, जिससे यात्री काफी डर जाते हैं। लेकिन सुकून की बात तो यह है कि यहां आज तक कोई हादसा नहीं हुआ है, इसलिए यह ट्रैक दुनिया भर के रोमांच चाहने वाले लोगों को काफी आकर्षित करता है। नंबर 8, पीट ट्रेन जर्मनी। जर्मनी का यह रेलवे ट्रैक अपनी बनावट की वजह से पूरी दुनिया भर में मशहूर है। आपने आज से पहले जब भी कभी रेलवे ट्रैक को देखे होंगे तो एक चीज जरूर गौर किए होंगे कि पटरी पर बिछी लाइनें समतल होती है, पर पीट ट्रेन रूट पर बिछी लाइनें टेढ़े मेढ़े और उबड़ खाबड़ है। इसी वजह से यह काफी खतरनाक रेलवे ट्रैक बन जाता है। मजे की बात तो यह है कि जब यह ट्रेन पटरियों पर चलता है तो लगता है कि ट्रेन डांस कर रहा है। वैसे दोस्तों, इस ट्रेन रूट का उपयोग सुरंग बनाने और कंस्ट्रक्शन के सामानों को ले जाने के लिए करते हैं। ऐसे रेल रूट का निर्माण तत्काल में उपयोग में लाने के लिए करते हैं। इसे आसानी से उखाड़ा भी जा सकता है। नंबर 7, मोस्ट क्राउडेड ट्रेन्स बांग्लादेश। बांग्लादेश की ट्रेन को दुनिया की सबसे खतरनाक ट्रेन्स कहा जाए तो गलत नहीं होगा, और वो भी सिर्फ इनकी ओवरलोडिंग की वजह से। जी हाँ, आप देख सकते हैं कि किस तरह लोग अपनी जान जोखिम में डालकर इन ट्रेन्स में सफर करते हैं। किसी त्योहार के मौके पर यहाँ के ट्रेनों पर भीड़ ऐसे हो जाती है जैसे किसी गुड़ की डली पर मक्खियों का होता है। ये लोग जान की परवाह किए बिना इन खतरनाक ट्रेन्स पर सफर करते हैं, चाहे इन्हें ऐसे लटक कर कई किलोमीटर दूर ही क्यों ना जाना पड़े। और यहाँ इस तरह सफर करने के दौरान बहुत से लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और हजारों लोग हर साल जख्मी होते हैं और कई हादसा यहाँ ओवरलोडिंग की वजह से हो चुके हैं। नंबर 6, नाइपर गिस्बोर्न रेलवे ट्रैक न्यूजीलैंड। दोस्तों, क्या आपने किसी ऐसी ट्रेन को देखा है जो एयरपोर्ट जाती हो? नहीं ना, कोई बात नहीं, आज ये भी देख लीजिए। न्यूजीलैंड के गिस्बोर्न में एक ऐसा एयरपोर्ट है जहां फ्लाइट और ट्रेन दोनों एक ही जगह पर आते हैं। सुनने में ये थोड़ा अजीब जरूर है, लेकिन ये सच है। इस एयरपोर्ट पर रनवे के बीचों बीच रेलवे ट्रैक बना हुआ है, और जब ट्रेन और फ्लाइट दोनों एक साथ गुजरती है तो देखने वाले को लगता है शायद ये टकरा जाएगा, पर ऐसा हुआ नहीं है, क्योंकि किसी एक को जाने से पहले दूसरे को रोक दिया जाता है या उसे कुछ देर बाद जाने की अनुमति दी जाती है। पर फिर भी काफी खतरनाक है, क्योंकि टेक्निकल गड़बड़ी होने पर हादसे का शिकार भी हो सकता है। नंबर 5, मेकलोंग मार्केट रेलवे ट्रैक थाईलैंड। क्या आपने भरे बाजार से ट्रेन को गुजरते हुए देखा है? दोस्तों, वैसे तो ये ट्रेन यात्रियों के लिए काफी सुरक्षित है, पर बाहर मौजूद लोगों के लिए काफी खतरनाक है। नहीं समझे? चलिए मैं समझाता हूँ। दोस्तों, थाईलैंड में सेमुंग सोंगख्रम प्रोविंस में मेकलोंग रेलवे स्टेशन है। इस स्टेशन की पास की पटरियां शहर के बीचों बीच से होकर गुजरती है। हैरानी की बात तो ये है कि पटरियों के पास ही सबसे बड़ी सब्जी मंडी लगती है। जगह कम होने के वजह से लोग पटरियों पर ही सामान रख देते हैं, और जैसे ही ट्रेन की आने की आवाज सुनता है वैसे ही दुकानदार अपनी सामानों को हटा लेते हैं और लगाए गए पर्दे को भी फोल्ड कर लेते हैं। जैसे ही ट्रेन गुजरती है लोग फिर से अपनी दुकानों के पर्दे को आगे बढ़ाने लगते हैं, जिसे देखकर बिल्कुल अम्ब्रेला की तरह लगता है। जैसे पानी आता है तो छाता खुल जाता है, पानी खत्म फिर से छाता बंद। इसलिए इस बाजार को
फोल्डिंग अम्ब्रेला मार्केट कहा जाता है। खतरे की बात तो यह है कि जब इस मार्केट से होकर ट्रेन गुजरती है तब ट्रेन और इन लोगों के बीच में सिर्फ 1 फीट की दूरी होती है, जिस वजह से इन लोगों पर हमेशा जान का खतरा बना रहता है, पर फिर भी यहाँ काफी टूरिस्ट आते हैं। नंबर 4, रामेश्वरम रेलवे ट्रैक चेन्नई इंडिया। भारत में मौजूद एक ऐसा पुल जहाँ लोग अपनी जान हथेली पर रखकर सफर करते हैं, क्योंकि ये ब्रिज दुनिया का सबसे खतरनाक ब्रिजों में से एक है, जिसे 1914 में अंग्रेजों के द्वारा बनवाया गया था, जिसे आज लगभग 108 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन आज भी ये पुल शान से खड़ा है। हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि आज जहां भारत सरकार इतने खर्चे करके पुल निर्माण करवाते हैं वह तो कुछ ही सालों में टूट जाता है, पर पंबन ब्रिज को लगभग आज 108 वर्ष हो चुके हैं फिर भी यह ठीक है। ये भारत का पहला समुद्री पुल है जो 145 खंभों पर टिका हुआ है, जिसकी कुल लंबाई लगभग 2.065 किलोमीटर है। साथ ही यह ब्रिज समुद्री तल से 12.5 मीटर यानी 41 फीट ऊपर स्थित है। ये पुल तमिलनाडु के रामेश्वरम और पंबन द्वीप को आपस में जोड़ता है। नंबर 3, ट्रेन टू दी क्लाउड अर्जेंटीना। अर्जेंटीना में बने ये रेलवे ट्रैक दुनिया के सबसे खतरनाक रेलवे ट्रैक्स में से एक है। आपको बता दे कि इस रेलवे ट्रैक का निर्माण 1948 में किया गया था और इस रेलवे ट्रैक को बनकर तैयार होने में कुल 27 वर्ष का समय लगा है। इस रेलवे ट्रैक को ट्रेन टू दी क्लाउड कहने के पीछे का वजह क्या है? आपको बता दे कि इस ट्रेन की पटरी जमीन से करीब 4,220 मीटर की ऊंचाई पर बना है, इसी वजह से लोग इस ट्रेन में सफर करने से कतराते हैं। ये ट्रेन कई लगभग 21 सुरंग और 30 पुलों से होकर गुजरती है। दोस्तों, ये रेलवे ट्रैक एंडीज माउंटेन के बीच से होकर गुजरती है और ये ट्रैक उत्तर पश्चिमी अर्जेंटीना को चिली देश से जोड़ता है। ये रेलवे ट्रैक इतनी ऊंचाई पर बने होने की वजह से रोजाना इस ट्रैक की जांच होती है। नंबर 2, डेविल नोज रेलवे ट्रैक इक्वाडोर। दोस्तों, ये ट्रेन इक्वाडोर के अलाउजी और सिलाम्बे के बीच एंडीज माउंटेन के ऊपर चलती है। इस खतरनाक पहाड़ पर मौजूद यह रेलवे ट्रैक करीब 12 किलोमीटर लंबा है। 1905 में बनाया गया यह रेलवे ट्रैक इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूनों में से एक है। इस ट्रैक के एक तरफ ऊंचे पहाड़ है तो दूसरी तरफ गहरी खाई। यह मंजर देखकर लोगों की जान हलक में आ जाती है। दोस्तों, ये रेलवे ट्रैक इतना पतला है कि इसको बनाते समय सैकड़ों मजदूरों की पहाड़ से गिरकर जान जा चुकी है, इसलिए इसे डेविल नोज यानी शैतान की नाक कहा जाता है। इस ट्रैक में ऐसे कई घुमावदार मोड़ है जिससे ट्रेन पलटने का काफी खतरा बना रहता है। वैसे अगर आप एडवेंचर्स के शौकीन है और आपका दिल बहुत मजबूत है तो आपको इस ट्रैक पर एक बार सफर करने जरूर जाना चाहिए। नंबर 1, द डेथ रेलवे ट्रैक थाईलैंड। 415 किलोमीटर लंबा यह रेलवे ट्रैक थाईलैंड के शहर बैंकॉक को बर्मा के शहर रंगून से जोड़ता है। यह रेलवे ट्रैक इतना खतरनाक है कि 1947 में इस रेलवे ट्रैक को बंद कर दिया गया था और इसकी वजह जानकर किसी की भी रूह कांप जाएगी। इस रेलवे ट्रैक को बनाने में करीब 90,000 से भी ज्यादा लोगों ने कवाई नदी में गिरने की वजह से अपनी जान गंवा दी, इसीलिए इस रेलवे ट्रैक को डेथ रेलवे ट्रैक कहा जाता है। दोस्तों, इस दुर्घटना के बावजूद भी इस रेलवे ट्रैक को 10 वर्ष बाद 1957 में फिर से खोल दिया गया। यहाँ ठंडी सर्राती हुई हवाएं, फड़फड़ करती हुई ट्रेन की आवाज और दिल दहलाने वाली ऊंचाई ट्रेन में बैठे लोगों की रोंगटे खड़ी कर देती है। यहाँ सफर करना कमजोर दिल वालों के लिए बिल्कुल नहीं है। दोस्तों, दुनिया के सबसे खतरनाक रेलवे ट्रैक में से आप किस रेलवे ट्रैक पर सफर करना चाहेंगे हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ऐसे वीडियो देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें, ताकि हमारे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। थैंक यू दोस्तों।